हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर घर में हर गृहिणी की यही परेशानी होती है कि हमारे लाख कोशिशों के बावजूद हमारी बनी हुई रोटियां, चपाती, फुल्का बस 5 मिनट में सख्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। चलिए देखते हैं। मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, उसमें नमक डाला है। इसे मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को भी आटे में अच्छे से मिलाएंगे। फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और आटे को गूंध लेना है। हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है और इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मिलाकर मुट्ठी बांधते हुए अच्छे से गूंध लेना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ही आटा लेकर हमें मुट्ठियों से एक करना है। अब हमें दोनों हाथों की मदद से आटे को अच्छे से मिलाकर एक सेमी सॉफ्ट डो बनाना है। अब इस स्टेज पर फ्रेंड्स, हमें बड़ी प्यार से आटे को थोड़ा सा पानी डालकर मुट्ठियों से अच्छे से मसाज करना है। जी हाँ, मसाज। आपको सुनकर हंसने आएगी, लेकिन इसी मसाज से ही ये आटा हमारा सॉफ्ट हो जाता है और रोटियां अच्छी नरम हो जाती है। ये देखिए, अब मैंने इस पर थोड़ा तेल डाला है। अब हमें तेल डालकर मुट्ठियों से ही मसाज करना है। आटा गूंदने का जो ये काम है, हम सभी गृहिणियों को बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन इसी प्रोसेस की वजह से हमारी रोटियां, फुल्का या चपाती बहुत ही मुलायम रहती है। हमारे बच्चे और घर के सभी बड़े एक से ज़्यादा रोटियां खाएंगे। ये देखिए, आटा गूंदकर रेडी हो चुका है। अब हमें इसे आधे घंटे तक रेस्ट करने देना है। अब मैं आपको 3 अलग अलग टाइप की, अलग अलग तरीके की रोटियां बेलना बताऊंगी। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। मेरी इन टिप्स और ट्रिक्स को जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच के साथ लाइक करना ना भूलिएगा। फिर हाजिर हो जाऊंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।